जातिवाद है कोनी अड है विकानक तहसील में काम कर रहे बिंगा वोट है यार सपोर्ट है ठाकर गए ठाकर गए आपको गर्गा और गर्गा वोट तू देंगे गर्गो तो तुम्हारी सरकार राज्यों काल में तिलोका राम जी 224 वोट ले गया तो मैं खुश लियो और कुंडी ने कुंडी को थैंक यू प्रणव वाले प्रोड्यूस को मैंने काम की जरूरत है काम की ना बनाओ बनाए मार बुढ़ानी मंत्री है। नमस्कार राम राम फिर स्वागत है सीएत शर्मा ब्लॉग के बहुत ही शानदार कार्यक्रम में जिसका को नाम है चुनावी मरोड़। और चुनावी मरोड़ के अंदर दोस्तों आज स्थान ले गया आया हूँ आनंद सिंहपुरा गांव के अंदर और अठागा की रुझान बनने लाग रहे की रिपोर्ट आप तैयार करांगा पूरी की पूरी कवरेज है तारे सामने होसी सही राय है जिसकी कमेंट में दिया नया हो तो चैनल ने जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों अभी गाँव का ग्रामीण है मौजूद है आऊँ जानांगा कि तरीके की अठे रुझान है बनने लग रहा है क्या कमियां गांव के अंदर है और के तरीके वो काम अभी दायक आगे करवासी। राम राम जी। राम 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 के नाम है साहब थारो बाबूराम। बाबूराम जी यहाँ बताओ कि आपने गांव में घर कितना है? घर 200 घर है। वोट पोल कितना को है? वोट तो 700 वोट पोल होगा। 700 वोट पोल होगा। अच्छा ये गाँव में कौन सी पार्टी को दड़ो है 75 साल में सबसे ज्यादा रही है? अठे तो टक्कर में रहे हमेशा ही टक्कर में या एक तरफा ही रहे? ना एक तरफा को अभी भी टक्कर है लगे था ना कि या फिर ना लगे लगे। अच्छा विधायकों का काम है गांव ताई पुगे पुगे के काम है मतलब एक आदो नाम स्कूल में कमरा आ रही हैं देरली सरकार के मां। अच्छा अच्छा पुगे अठे जिया धड़ो जिया बुडानिया साहब को या राठौर साहब को किसे कोई कौन बैठेगे ना अभी टक्कर में सी मानो टक्कर में ही है के। अच्छा अच्छा कोई जातिवाद और फैक्टर को नहीं? अच्छा एक एक बात मारे दर्शक नहीं बताओ कि एक माहौल बना रखियो के जातिवाद हो रही है थारी नजर हम की ना कौन नहीं जातिवाद कौन है? तो यहां ही जनता बना रखी है जनता ही बना रखी है जनता बना रखी है और जातिवाद और कोई मतलब मैं तो एक जगह बैठा हूं नहीं बात अपन तो देखो एक जगह ही रहनु है। हां नहीं तो दो दिन नहीं थे कौन कभी नारो नूरो अठ तो कोई नारो कोनी नहीं जावा बैठे ये लागे माहौल है के जातिवाद है लेकिन लागियो कोनी मना अपनी कौन लागियो ना ना भाई मारो कोनी। थारो के नाम है? माहौल सिंह नाम है। अच्छा मुख मैंने जी को पॉइंट है कि टक्कर है अठे टक्करी है हाँ। ज्यादा जी हाँ पिछली बार बुडानिया साहब ने वोट की ताक मिली अठे पिछली साल 140 मिलिया 140 मिलिया अब कल टक्कर है पहले बोला तो। अच्छा अच्छा बोल जगह वोट टूट गया अंदो टूट गया हां टूट गया तो चार का को नहीं अकड़िया हां एकदम मुजी कुंडी गोटे नहीं वोट मिलिया के पिछली बार मिलिया साहब मिलिया बे वोट थे कठमानो अब कल कांग्रेस ने ठाकर के नहीं होगी ना तो 100 वोट हमारे राठौड़ के साहब आऊंगा 200 वोट ठाकर का होगा और बाकी का 800 पोल होगा सगड़ा बुढ़ानी का। अच्छा कुंडी गोटे ज्यादा मिले आगे वोट पहले 195 वोट मिले 195 मारे प्योर गाँव में जाट है कोई भी हो टोटल वोट या मान लियो 800 पोलिंग होंगे अब हम 100-150 वोट या मान लियो राठौड़ साहब के जाएंगे और 400 वोट है ठाकर गए ठाकर गए पक्का ही 400 ही पक्का ही। अच्छा आपको और गर्गा वोट तू देंगे गर्गो तो तुम्हारी सरकार राज्य काल में लड़नो को नहीं राज्य पक्की बात है देखो ये लड़े के 150 गए 200 गए लट्टे चट्टे तो राठौड़ साहब रे गए और बाकी जे 650 हुए चे 700 पोल हुए बे बुडानिया का पिछली बार कम किया दिया तो बुडानिया ने तिलोका राम जी 224 वोट ले गया और 195 वोट कुंडी कोटो ले गयो 94-95 वोट राकेश जांगड़ी ले गयो। अच्छा अच्छा यहाँ हो गया अच्छा खिंड गया वोट अब कल एक जगह मानो अब कल दो अब कल निर्मल जी ने वोट कोनी की थारगा में है कि थोड़ा बहुत है यहीं करे है थोड़ा बड़ा किन किया है थे बताओ थारो के नाम है?
मेरा नाम है भाई जी हरी सिंह कसवा। अच्छा ने तो जाति है हाँ हाँ। ने जातिवाद तो ने कोई जातिवाद है अठे से जाति है हाँ। कोई जाति को चुनाव को नहीं है, कोई और को चुनाव को नहीं, अठे चुनाव है केवल काम करेगो बुढ़ानिया साहब। अठ पांच साल में ढाई साल में कोरोना गई और ढाई साल बची भी ढाई साल में काम दो साल कोरोना दो साल हाँ दो साल तीन साल बची तो तीन साल में काम ही करेंगे बेअंदाज 80% काम है 20% भींगा बाकी है। अच्छा, अच्छा दूसरी बात मैं अशोक गहलोत ने लेना चाहूँ क्योंकि वो अभी लास्ट मुख्यमंत्री है वो क्योंकि एज हो जाए भी बिंगो पूरा निचोड़ लेना चाहा मैं वो जानती टाइम और बोलो करो जनता को बुढ़ो गए जो वो रिटायरमेंट हो गो रिटायरमेंट हो थे काम करके जा बढ़िया की बढ़िया करके जा सरकार थे मानो के कांग्रेस की सरकार पक्की कांग्रेस की आओगी ग्रह की लड़ाई हो वो घर पर पै गए तो बीजेपी में लड़ाई हो रही है नहीं, लड़ाई तो देखो कांग्रेस में भी है बीजेपी में भी है। हरी है हो रही है लेकिन बा घर घर गमाई है बारह फुटी को नहीं और बाकी मारगांव का राजपूती वोट देगा कांग्रेस ने मारगांव में सपोड़ो साफ है राठौड़ साहब को मन में बात नहीं। मैं तो भाई माना यहाँ आया कि बुढ़ानिया काम ज्यादा करेडो है बहुत काम हो रहा है स्कूल खोली है तारानगर में नहर चालू है मान नहर की जरूरत है और माने कह लो सरकार की जरूरत है ये बात है। अच्छा एक मेन बात यहाँ बताओ कुंडी गोटे का वोट आपने पूरी तारानगर तहसील में थाने कह का निजाम तला गया कौन कुंडी गोटे का कांग्रेस में जा हकीकत बात है कांग्रेस में जिया गया वोट कोई फांप मारे नहीं तो किने मारो वो चले ठेकर आऊं तो नहीं जब तो बिन वोट मिलता वे बिन फालतू मिलता अब टूट अब तो भी गेल वोट को नहीं कुंडी गोटे ने अगर राठौड़ साहब सागने ले आता ना तो बहुत तगड़ी टक्कर होती कुंडी कुंडी छोड़ी मैंने बताऊ था ना कि अगर कुंडी गोटे ने राठौड़ साहब नहीं ले आता सागने तो बहुत ज्यादा वोट जीत होती अब कुंडी गोटाऊ लाना राठौड़ साहब का जगह वोट आ बे फंट गया सागाला बे यहाँ सोची अब जहाँ राकेश है महावीर पूनी है भाई यहाँ सोची एक खसकोदन लिए अपनी बारी घटाओ है जब कुंडी जब कुंडी इन सागा पर रहनी वोट आ रहा बे भी टूट गया पहली बात। दूसरी बात आके वो बह दिया के है कि मन्ना राठौड़ साहब चूरू आगे थे राय ले गया अब मैं थाने मेरा साडू बना के मैं जयपुर जरूर ले जाऊंगा मैं भी रागे ले जाऊंगा थाने। अच्छा अच्छा कुंडी गोटा रो के बताओ थे अभी कुंडी गोटा लो बाज तो फिर है जनता बाजती कौन फिर अच्छा जी हां चंद्रमल बैद साहब आ कांग्रेस हुआ लोग बाहु जुड़ेड़ा मैं तो दी आपकी तो आता नहीं है तो बंग वोट बहुत आता। अच्छा बैद जी हां जी का कांग्रेस होता तो वोट होता बहुत वोट आता हकीकत बात है निर्दलीय आता मैंने ठाकुर जी जीता तो हां अगर चंद्रशेखर ने टिकट निर्दलीय भी खड़े कर देता ने तो हां ठाकुर जी जीता ठाकुर जी जीता तो साठ हार जाता अब कौन जीता चलो और भी जानने की कोशिश करो हैं मैं बताओगे बब्बे की बरात में बेटा कदा ला गया बब्बो बेटो आगे ब्याह करावा टगे हैं तो बेर में दुल्ली देखता फिर जगह जगह जो दुल्ली अटा तालनगर बेली है बैरिंग जागो यहाँ बाबो तो आग जी लगा है आए भी से बैरिंग जागो बच्चो। अच्छा अच्छा हाँ तो ठाकुर साहब को दुल्हे को ब्याह खाली रहेगा चौकी तो पेंसिल बांध दी गलो थे और चिरंजीव योजना का 25 लाख रुपया मोबाइल मिल गया अब मोबाइल मिल गया मुफ्त कणके बिजली बिल और नहर आने तैयार हो रही है मानो और की चाहिए मान तो ऐ चीज चाहिए आ इसी आज तक है आज तक नहर तैयार हो रही है आपने कोडो बागिच पड़े और नहर लाए चंदन की कोनी जीवता नहीं की को नहर लाऊंता चंदन मल बैद जी नहर लाऊंता और बैद जी आ कोनी अबे अब नहर अब तो बुढ़ानी ही लाओगो अब मुआदा है पक्कों पक्को है लो बड़को है अड्डू आड है गिरगी बाजरी खा के मारू या झूठ कौन बोल जा अड्डा रख लगा अड्डा बुढ़ा नहीं है गांव में पक्का ही चलो बता देगा एक घर में आधा आधा वोट देगा आधा कांग्रेस देगा और आधा बीजेपी देगा और भी जानांगा इन्हें देखो 500 वोट बीजेपी कांग्रेस का है और 200 वोट है बीजेपी का 700 हो गया है तो पूरा आज बस यही होगा ये पूरा। अच्छा निर्मल जी का वोट को निर्मल जी का है 5-10 वोट है पर्सनल वोट है बे लागेगा चलो ठीक है और भी जानांगा मौजूद है
थारी के राय है? मारी राय कांग्रेस में आनती है, प्रधान मुख्यमंत्री मान तो ऐसो गहलोत ही है। ऐसो गहलोत सी है? हाँ बस। अच्छा बुडानिया जी कौन सी है? बुडानिया तो विधायक है मारो। अच्छा अच्छा, मानोगे के बुडानिया जी त्रिया माने? दो तीन मुख्यमंत्री कौन सी है? मुख्यमंत्री एक ही थी, एक ही थी। अच्छा यहाँ मानोगे बुडानिया साहब जीत जाएगा तो कोई बड़ा मंत्री बनेगा? मंत्री की जरूरत कौन माने? काम की जरूरत है, काम की ना बनाओ बनाए मार। बुडानिया मंत्री है? मंत्री है क्या? तिलोक जी यारा वोट है जी का अब कल किन्ने जा सके? तिलोक जी आपका तो आ रही है दर्जे बाहू तो फिर कौन जा? तिलोक जी यारा वोट है जी का? तो देखो गांव की चौपाल ही लगभग गांव है अठे मौजूद है, देख लियो बड़ा बुजुर्ग नौजवान साथी अठे मौजूद है, एक एक पॉइंट जानने की कोशिश करी। गांव और भी बहुत बड़ो है, मिल सा जो कोई मिलेगा तो और रिपोर्ट जानने की कोशिश करांगा। अठे की राय थार समझ में आ गई होगी कि अठे हैं गाँव में मौजूदा धड़ो है वो कौन सी पार्टी को बनने लाग रहे है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आनंद सिंहपुरा गांव है वो लगभग 200 ग्राम की बस्ती है, एक जगह ही लोग बैठे लाजे है, ढाणी टाइप गांव है तो क्योंकि गलियां अंदर लोग है जी का मिल रहा को नहीं, एक जगह चौपाल के अंदर ही पूरा गांव का इकट्ठा लोग मिल रहा है। तो बैठा आप रिपोर्टिंग कर ली, पूरी गलियां में घूमया तो कोई लोग बाग है जी का कम मिले। तो वो वीडियो है थाना समझ में आ गए को गाँव के अंदर के तरीके को धड़ो बन ला रहे। छोटो सो गाँव है, आ कोई ज़रूरी को नहीं कि छोटे गाँव कोई वोटिंग है जी की मतलब प्रभाव कौन पड़े। चुनाव के अंदर एक एक वोट की कीमत होए तो ए गाँव की भी कीमत है, छोटो सो गांव है। आज वो थाने वीडियो किसोक लागे जरूर कमेंट में बताया, और नया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कराया। अब बड़ी से आग लगाऊंगी तरफ। जय हिंद, राम राम, थैंक यू।